नमस्कार, पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा फ्लाइट में अपनी सीट के लिए झगड़ने वाला वीडियो आपने देखा होगा। कथित तौर पर इस वीडियो में कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर अपनी सीट के लिए यहाँ मौजूद जो फ्लाइट स्टाफ है उसके साथ झगड़ रही थी और साथ ही पैसेंजर्स के साथ भी उनका विवाद कहा सुनी हुई थी। इस मामले में लगातार जहाँ सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो डाला जा रहा है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में कांग्रेस ने भी उन पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का स्वभाव ही लड़ने का है। उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ऐसे नेता को अपना सांसद चुना है। पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा उसके पहले हम आपको दिखा देंगे कि वो एक्चुअली वीडियो क्या था। टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये? नहीं तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना। मैनेजमेंट में कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? सीनियर मैनेजर। तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना। अथॉरिटी तो इनके पास है ना। अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्रेड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो नहीं दिखा पा रहे हैं आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना। बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, राइट मेरी बात सुनिए। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए, हम भी बोल रहे हैं उनको के लिए कि मॉरल कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन यू है शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है कि जिनको लाखों वोट से संसद में जनता ने भेजा है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वो कभी सीट हवाई जहाज पे सीट के लिए लड़ रही है, कभी लोगों से उनके झगड़े विवाद के वायरल हो रहे हैं। अरे आपको झगड़ना है तो केंद्र सरकार से झगड़ो, जो बार बार कह रहा हूँ मैं, जो 16,000 करोड़ रुपए हमारा है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का जो हक है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का और जो 55 लाख किसानों का, वो उसके लिए लड़ाई लड़े हैं, प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़े हैं, शाह जी से। तो मैं समझता हूँ कि ये हम जो राहत देना दे रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी की जा सकती है। इस मामले में पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। वहीं इस मामले में अनौपचारिक चर्चा करते हुए मीडिया से प्रज्ञा ठाकुर ने भी खुद को पाक साफ बताया है। केंद्र सरकार जो पैसा इनको देती है वो ये सरकार खर्च नहीं करती है। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। 1,000 करोड़ रुपया अतिवृष्टि के लिए आ गया लेकिन एक पैसा अभी तक नहीं बांटा, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में 600 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ग्रांट नहीं मिला ही नहीं है उसमें, इस कारण से एक साल से पड़ा हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट में जो म्यूचुअल उसका पैसा मिलाना होता है वो नहीं मिलाया, 600 करोड़ के 350 करोड़ रुपया वो पड़ा हुआ है, पैसा दिल्ली का आके पड़ा हुआ है। पर यहाँ पर लूटने से फुर्सत ही नहीं है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट।